नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जिसको NHM केरला के द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। CHO की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1506 टोटल पोस्ट है। ओके, और पूरा डिटेल से बात करेंगे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, कैसे आपको इसमें पीस सबमिट करना है, प्लस इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी को NHM केरला के द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें 1506 जो टोटल पोस्ट है, इसमें स्टाफ नर्स मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की वैकेंसी है, जिसको CHO की पोस्ट भी बोला जाता है। ओके, और BSc नर्सिंग और GNM के साथ में 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। BSc नर्सिंग के जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस GNM के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और क्या क्या इसमें टर्म कंडीशन दी गई है, सैलरी कितनी रहने वाली है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रोल करना है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 12 मार्च 2022 से लास्ट डेट है इसका 21 मार्च 2022 शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ से आपको इसका विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसका भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पूरा डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में चलते हैं और कैसे इसमें जो भी टर्म कंडीशंस दी गई है सारा डिटेल से बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कैरियर जो नोटिफिकेशन है 10 मार्च 2022 को रिलीज किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। नेम ऑफ द पोस्ट है मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर। ओके, मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर की वैकेंसी है। सेंटर ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट CMD की जो वैकेंसी NHM के अंडर में आता है, तो इस केरला की वैकेंसी है, इनवाइट की गई है। जो भी एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकता है। स्टाफ नर्स या मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जो मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर है, इसकी वैकेंसी है। NHM के अंडर वैकेंसी को रिलीज किया गया है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट को अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उसमें डिवाइड किया गया है। सारे डिस्ट्रिक्ट टोटल 14 जो डिस्ट्रिक्ट है, ओके, उनकी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। 1506 टोटल वैकेंसी है, जिसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, NHM प्रपोज टू प्रिपेयर ए लाइव रैंक लिस्ट फॉर द विच एन एडिशनल रिक्वायरमेंट मे बी रिक्रूटेड। और नेक्स्ट बात करें तो इसमें अगर आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो BSc नर्सिंग और GNM के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। GNM के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 40 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च 2022 तक आपका एज 40 साल तक जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कॉन्टैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट कॉन्टैक्ट बेसिस है। CHO की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में कॉन्टैक्ट बेस्ड वैकेंसी रखी गई है। डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशंस का 11 मार्च 2022 और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस 21 मार्च 2022 रखी गई है। शाम को 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर सैलरी के बारे में बात करें तो उसका सैलरी आपको 17,000 4 मंथ के लिए। ओके, जो ट्रेनिंग पीरियड का जो टाइम है उसमें 17,000 रुपये 4 मंथ के लिए एंड 17,000 प्लस 1,000 फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो दिया गया है ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग। जब आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 17,000 प्लस 1,000 जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है जो 4 महीने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। रिपोर्टिंग मेडिकल जो ऑफिसर इंस्टीट्यूट का उसको आपको रिपोर्ट करना है। जनरल टर्म कंडीशंस के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुछ जनरल टर्म और कंडीशंस दी गई है। तो सबसे फर्स्ट, द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशंस केयरफुली। सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशंस है उसको कम्प्लीटली पढ़ना है। एलिजिबिलिटी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, तो उसके आधार पर आपको इसमें अप्लाई करना है, जिसका वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वैसे www.cmdkerala.net जो वेबसाइट है, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द
क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। आपका जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है और जो भी इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस है, उस आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेंट सैलरी पे अमाउंट ऑफ 325 रुपये आपका यहाँ पे फीस रखा गया है, जो कि आप इसमें आराम से ऑनलाइन पे कर सकते हो। ओके, NHA या CMD नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्पेंसी इन द सबमिटिंग द एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन। ओके, कोई भी अगर गलती होती है तो आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हो। और नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिया गया है। 7 नंबर का जो पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन इसमें होने वाला है, कंडक्टेड किया जाएगा। एन एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली। मतलब आप इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी को रखा गया है, तो एक जो कैंडिडेट है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकता है, जिससे कि आपका जहाँ पे इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, कुछ द कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट्स, पे स्लिप्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिए ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट्स और पे स्लिप यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्ट आपको जो एक्सपीरियंस लेटर है वही आपका यहाँ पे होना जरूरी है, तो इसी आधार पे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिए गए हैं, तो वो आप इसमें पढ़ सकते हो। ये थी इसकी कंप्लीट वैकेंसी के बारे में, जिसका मैंने आपको बता दिया है। और फ्रेंड्स, वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उसमें आपको जो डिटेल है वो कंप्लीट फिलअप करना है। जो भी आपका मार्क वहाँ पे जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है उसको कंपलसरी आपको फिलअप करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका जो इसमें आपको रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, इसमें वैसे तो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक पॉइंट ऐसा दिया गया है जिससे ऐसा लगता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो दिया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन बीइंग कंडक्टेड, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें वैसे कहीं भी नहीं दिया गया कि इसमें वहाँ के स्टेट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो इसमें ऑल इंडिया का दिया गया है, तो शायद ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिलअप करके जरूर देखिएगा, और फिर भी अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी थी, और इसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले है आपका जो नेम, एड्रेस और जो आपका क्वालिफिकेशंस है वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका जो एक अगर आप GNM कैंडिडेट्स हो, एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी है। ओके, और आपका जो रजिस्ट्रेशंस है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट, ऑल इंडिया का कहीं का भी रजिस्ट्रेशंस हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, और नेक्स्ट आपका इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि आपका जो 4 साल की जो मार्कशीट या 3 साल की जो मार्कशीट है वो भी इसमें कंपलसरी है, आपका वहाँ पे डिटेल भरवाया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू डेट है वो जल्दी इसमें आपको या तो मेल, ईमेल के द्वारा, ओके, या तो ईमेल के द्वारा या आपको मोबाइल में जो मैसेज आएगा उसके आधार पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू का डेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू में शामिल होना है। ये थी कंप्लीट वैकेंसी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।